ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत है। 100 वास्तु दोषों के लिए एक उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपके 100 के 100 वास्तु दोष हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। अब वास्तु दोष से नुकसान क्या है भैया? ये उपाय हम करें तो क्यों करें, आपके मन में पहला प्रश्न यहाँ से उठेगा। अगर आपके घर में वास्तु दोष है, घर में कोई ना कोई बीमार बनता रहेगा, घर में बरकत नहीं रहेगी, हमेशा घर में कोई ना कोई तनाविक माहौल रहेगा, सुख शांति समृद्धि जो घर की है वो रुकी रहेगी, हम बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हमें उसके हिसाब से फल नहीं मिलता। वास्तुदोष घर में ही नहीं, वास्तुदोष हमारे कार्य क्षेत्र में, जैसे हमारी नौकरी की जगह पर, जैसे हमारे व्यापार जगह पर भी वास्तुदोष होता है। जैसे व्यापार नहीं चलना, पहले अच्छा चलता था लेकिन अभी बंद हो गया, इस तरह की परेशानियाँ वास्तुदोष के कारण होती है। बहुत से लोग इसको अलग वे में लेते हैं और बहुत से लोगों को एक अलग वे में लेते हैं। तो आप जिस भी वे में लेते हो, आप इस उपाय को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, और चाहे आपके वास्तु दोष हो या नहीं हो, आप इसे एक बार ज़रूर करें। मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों कि आपके घर के जितने भी वास्तु दोष हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख और समृद्धि आ जाएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और उससे पहले एक बात है कि अगर वीडियो को आपको आगे देखना है तो उससे पहले कमेंट्स में लिखो हर हर महादेव, भोलेनाथ का कोई एक नाम कमेंट्स में लिखो, जल्द से जल्द भोलेनाथ का नाम लिखो। अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण आप हमसे करवाना चाहते हो, कोई तनाव में हो, कोई परेशानी में हो, या कोई प्रश्न जो आपको भविष्य को लेकर आप चिंतित हो रहे हैं अपने लिए, तो प्लीज़ स्क्रीन पर मेरा नंबर चल रहा है, आप व्हाट्सएप पर आए, अपना भाई और दोस्त समझ कर बिल्कुल मैसेज करें, और उसका फ़ीस लागू है दोस्तों, आप फीस पे करके बात कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात पर कि वो कौन सा उपाय जो 100 वास्तु दोषों को ख़त्म कर सकता है। सबसे पहला उपाय है कि आपको खड़ा नमक लेना है। बाज़ार में खड़ा नमक मिल जाता है और कोयला, खड़ा नमक और कोयले को ले एक काले कपड़े में बांधना है आपको। काले कपड़े में बांधकर घर के किसी एक कोने पर रख दे जहाँ पर किसी की नज़र ना जाए, उसे ढक कर रख दें, जहाँ पर किसी बच्चे का हाथ ना जाए उसे सुरक्षित रख दें। इस उपाय को अपने नौकरी की जगह अपने घर में करें और हर साल में एक बार इस पोटली को प्रवाहित कर दें और फिर बदल लें। ओम नमः शिवाय।